12 सेंटीमीटर एंड 5 सेंटीमीटर. ओके, क्वेश्चन पे डिस्कस क्या बेटे, सेटल डाउन फास्ट एंड सिट साइलेंटली सो दैट एवरीबडी कैन हियर. फिर आपको याद आएगा कि कल हमने क्या किया था. लेंथ ऑफ टू साइड्स ऑफ अ ट्रायंगल ऑफ 12 बिटवीन व्हाट टू मेजर्स. कंप्लीटली क्वेश्चन नोट डाउन करना है, अगर जिनको आता है तो भी नोट डाउन करना है. व्हाट टू मेजर्स किधर लेंथ भी लग रही ऑफ द थर्ड साइड फॉल ऑफ द थर्ड साइड फॉल. ठीक है, नीट एंड क्लीन क्वेश्चन अपने सामने लिखो ताकि बाद में पढ़ने का मन करे. अगर आप गंदी राइटिंग में लिखोगे, कटिंग करके लिखोगे, यू विल नेवर फाइंड इट अगेन. सोचोगे कि रफ काम किया हुआ है. ये रफ काम नहीं है, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है. एक मैंने कल करवाया था, एक मैं आज करवा रही हूँ, और इसी टाइप के क्वेश्चन ही आते हैं. छोटा सा टॉपिक है ये आपकी बुक में, एंड दिस इज द ओनली थिंग दे आस्क यू हाउ टू फाइंड द थर्ड साइड. ओके, नोट डाउन क्वेश्चन. वेरी गुड, एवरीबॉडी इज राइटिंग. उसके बाद मैं एक्सप्लेन करूंगी आपको. ओके, नाउ इफ यू रिमेम्बर कल की पॉइंट्स में मैंने आपको पॉइंट लिखवाया था कि सम ऑफ टू साइड्स, सम ऑफ टू साइड्स इज ग्रेटर देन थर्ड. ठीक है, एंड डिफरेंस ऑफ टू साइड्स इज लेस देन थर्ड साइड. हाथ खड़े करो, किस किसने लिखा था ये पॉइंट? कल की पॉइंट में लिखवाया था मैंने. वेरी गुड, वेरी गुड. अब एक छोटी सी बात तो छोटी सी है कि सम इज ग्रेटर, डिफरेंस इज लेसर. प्रॉब्लम इसमें ये होती है जो हमें याद नहीं रहती, दैट इज कि ये साइन नहीं हमें याद रहता कि इसको कैसे लगाना है. बिगर साइन कहाँ आना है, लेसर साइन कहाँ आना है. तो इसको याद करने का ये तरीका है कि आपको पता है कि जब हम सम करते हैं दो चीजों का, जब भी आप एडिशन करते हो तो उसका आंसर हमेशा बड़ा आता है. इसको ऐसे याद रखो. और जब भी आप दो चीजों का सब्ट्रैक्शन करते हो तो आंसर जो है वो लेस आता है. दिस इज द वे टू रिमेम्बर. इस साइन को याद करने का ये तरीका है. आपको अपनी नॉलेज के लिए लिखना है तो लिख लो, क्योंकि पूरा पूरा सेंटेंस तो आप हमेशा वहां नहीं लिखोगे ना. आपके की पॉइंट्स आपकी अपनी अंडरस्टैंडिंग के लिए हैं, अपने शॉर्टकट नोट्स हैं आपके, जो आपको अपने आप को बताएंगे कि रिवीजन के टाइम की अच्छा इसका ये फॉर्मूला होता है, इसका ये होता है, इसका ये होता है. आपको समझ आनी चाहिए अपनी राइटिंग में लिखी हुई चीज. बेटे एफ सेक्शन आपका वीडियो ऑफ हो गया, जस्ट सी इट. वीडियो ऑन करो. ओके, नाउ बेटा सम ऑफ टू साइड्स ग्रेटर, दिस इज लेसर. हमें थोड़ा आइडिया मिला, थोड़ा हिंट मिला है कि जो थर्ड साइड होगी वो किन दो नंबर्स के बीच में फॉल करेगी. ट्राइंगल हमारे पास है, ठीक है. एक साइड आपको दी हुई है 12 सेंटीमीटर, एक साइड आपको दी हुई है 2 सेंटीमीटर. ये थर्ड साइड वो पूछ रहे हैं कि ये थर्ड साइड किन दो नंबर्स के बीच में आएगी. तो किन दो नंबर्स को ढूंढने के लिए हम क्या करेंगे? सम निकालेंगे,
सम इज इक्वल टू 2 प्लस 12 इक्वल टू 14 सेंटीमीटर एंड डिफरेंस इज इक्वल टू 12 माइनस 2 इक्वल टू 10 सेंटीमीटर बिटवीन 10 एंड 14 सेंटीमीटर। 14 सेंटीमीटर यस। ठीक है, तो हमारी जो थर्ड साइड आएगी, आपको ये पता चल गया कि जो थर्ड साइड की लेंथ आएगी वो कैसी होगी, फोर्टीन से छोटी होगी और 10 से बड़ी होगी। दिस इज फाइन। इन दोनों नंबर के बीच में लाई करेगी वो। अपने फॉर्मूला से मैच कर लो। मैचिंग आपकी ठीक आ रही है कि थर्ड साइड इज बिगर देन द डिफरेंस एंड लेसर देन द सम। दिस क्वेश्चन इज क्लियर टू एवरीवन? प्लीज रेज योर हैंड। डेफिनेटली आप बता सकते हो। आई कैन अंडरस्टैंड फ्रॉम योर हैंड ओनली कि आपको समझ आ गई है। किसी को कोई डाउट है, यू कैन आस्क मी। कम फॉरवर्ड एंड आस्क। यस, इज इट क्लियर नाउ? फाइन, दिस इज द वे। ऐसा ही क्वेश्चन आता है बस, ग्रेटर और स्मॉलर वाले में। दिस इज द पैटर्न ऑफ द क्वेश्चन। इससे अलावा दे डोंट आस्क यू। कभी पूछेंगे वो किससे बड़ा है, किसी कभी पूछेंगे वो किससे छोटा है। ठीक है, तो आपको ये चीज फॉर्मूला पता होना चाहिए इसके बारे में। फॉर्मूला शॉर्टकट में मैंने आपको लिखवा दिया कि सम इज ग्रेटर एंड डिफरेंस इज स्मॉलर। तो कल जो हम एमसीक्यू कर रहे थे बेटा, उसका आंसर देखो, पहले मैम इसको कंप्लीट कर लो। हाँ जी बेटा। मैम आपने 5 की जगह 2 लिख दिया। हाँ द लेंथ ऑफ टू साइड ऑफ अ ट्रायंगल। ओके, तो इसको 2 कर लो, नो प्रॉब्लम। दिस वॉज एग्जाम्पल ओनली, नो प्रॉब्लम। आपको कोई भी 2 साइड आ सकती है ना। मेक इट 2 प्लीज, ताकि हमें पूरा क्वेश्चन में चेंज करना पड़े। इसको क्वेश्चन में 2 सेंटीमीटर कर लो बेटा। 12 एंड 2 एंड गो अहेड। कोई भी 2 सेंटीमीटर आ सकते हैं, क्योंकि ना ट्राइंगल बड़ा हो सकता है, छोटा हो सकता है, कोई भी साइड्स हो सकती हैं उसकी। ओके, चलो अभी स्पेशल रीजन का क्वेश्चन करते हैं बेटा, जो हम कल कर रहे थे। क्वेश्चन नंबर 4, असर्शन रीजन। असर्शन का फर्स्ट लाइन, द लेंथ ऑफ टू साइड्स ऑफ अ ट्रायंगल आर 6 सेंटीमीटर एंड 8 सेंटीमीटर। द लेंथ ऑफ द थर्ड साइड लाइज बिटवीन 2 सेंटीमीटर एंड 14 सेंटीमीटर। जल्दी से रफ में चेक कर लो, इसी मेथड से रफ में चेक कर लो सम क्या आ रहा है, डिफरेंस क्या आ रहा है, और चेक करो कि क्या वो 2 और 14 के बीच में आ रहे हैं। एवरीबडी, ये क्वेश्चन मैंने कल भी करवाया था, पूरा सॉल्व किया था हमने। assertion is true. Assertion is true. Raise your hand who agree कि yes, they have understood, it is true. Please raise your hand. Yes. F section बड़ा prompt answer दे रहे हैं। What about others? अगर नहीं समझ आई तो उठ के पूछो। G section, you have to reply me. आपको तो बहुत अच्छे बैठे बैठे ही आंसर दे रहे हो आप, तो बैठे बैठे यू कैन रेज योर हैंड एंड टेल मी कि यस वी हैव अंडरस्टूड। वंस मोर, हैव यू अंडरस्टूड ऑल ऑफ यू? रेज योर हैंड। ऑल राइट, असर्शन इज ट्रू। रीजन, द सम ऑफ द लेंथ ऑफ एनी 2 साइड्स ऑफ अ ट्राइंगल इज ऑलवेज ग्रेटर देन द लेंथ मैम ऑफ द थर्ड साइड एंड डिफरेंस इज ऑफ एनी 2 साइड्स इज ऑलवेज स्मॉलर देन द लेंथ ऑफ द थर्ड साइड। सेम रीजन इज ऑल्सो ट्रू। रीजन इज ऑल्सो ट्रू और दे हैव टोल्ड द सेम थिंग जो अभी अभी हम डिस्कस कर रहे हैं। सो इट विल बी ए ऑप्शन, राइट? क्वेश्चन नंबर 4 की जो असर्शन रीजन है, इसकी ए ऑप्शन आएगी। इट इज वेरी क्लियरली रिटन। क्वेश्चन नंबर 5, इन द फिगर गिवन एक्स इज इक्वल टू 70 डिग्री। एक्स इज इक्वल टू 70 डिग्री, ट्रू। वेरी गुड, बहुत अच्छा, बहुत क्विकली आपने बता दिया। फाइव रीजन इज ऑल्सो ट्रू एंड ए पार्ट इज आंसर। इज ऑल्सो ट्रू।
समझिए सेक्शन। आगे आओ बेटा। समझिए या बेटा मेरे को बताओगे जरा कि एसर्शन में 70 डिग्री कैसे आया? मैं एक्सटीरियर एंगल प्रॉपर्टी इंटीरियर एंगल प्रॉपर्टी। ओके वेरी गुड। तो एक्स कैसे आया उसमें से? एक्सटीरियर एंगल में फिर एक्स कैसे आया? 70 डिग्री कैसे आया? आपने एक्सटीरियर एंगल प्रॉपर्टी लगाई है इसमें क्वेश्चन नंबर 5 में। बोलो बोलो वेरी गुड। आपने जो बिगनिंग की है ना इसकी, यस एक्सटीरियर एंगल लगानी है हमने। आगे बताओ कि 70 कैसे आया? सम ऑफ एक्सटीरियर एंगल इंटीरियर Yes. पूरा एंगल कंप्लीट सेंटेंस बताओ बेटा, अधूरा नहीं बताना। आपसे कोई, आपको कोई बता रहा है क्या पीछे से कि ऐसे बोल ऐसे बोल? तो फिर अपने अपने हिंदी में बोलो, कोई बात नहीं। एक्सप्लेन मी कैसे आया एक्सटीरियर एंगल। हाँ जी बेटे, एक्सटीरियर एंगल इज इक्वल टू, बोलो बोलो वेरी गुड। एक्सटीरियर एंगल इज इक्वल टू, वेरी गुड, क्या बताया था आपने? सम ऑफ क्या, किसका सम होता है? इट्स ओके okay. बैठो, इसको ये फिर आपको लर्न करना पड़ेगा ये। बस अगर आप नहीं बता पा रहे हो जस्ट टेल मी कि 110 डिग्री किसके इक्वल होगा, वैसे ही ओरल बता दो। चलो आपके इसके अकॉर्डिंगली चलो बैठो। हाँ ओके बता रहे हो, बता रहे हो ओके ठीक है। हाँ जी, 40+70 70 कहाँ से आया? 70 को हमें डिग्री क्वेश्चन में नहीं दिया हुआ। मैं 40 प्लस एक्स ओके बैठो बेटा, बैठ के जरा ध्यान से सुनो, मैं आपको दोबारा बुलाऊंगी अभी। नवदीप जी सेक्शन, यस टेल मी द होल सेंटेंस की क्या हम बात कर रहे हैं यहाँ पे। एक्सटीरियर एंगल इज इक्वल टू क्या? माइक नहीं काम कर रहा आपका, है ना? इट्स ओके। बी सेक्शन फर्स्ट बेंच पे जो बॉयज बैठे हैं इन द मिडल रो, जल्दी से बता दो।30 डिग्री डोंट टेल मी आंसर, मेरे को ये बताओ एक्सटीरियर एंगल इज इक्वल टू क्या है इस फिगर के अकॉर्डिंगली। आंसर नहीं मैं पूछ रही, आई एम नॉट आस्किंग यू के आंसर। अगर आपको एक फिगर दी हुई है, एक्सटीरियर एंगल दिया हुआ है, ये दोनों एंगल दिए हुए हैं, ठीक है, आप कहाँ से क्वेश्चन शुरू करोगे? आई मीन टू से बैठो बैठो, ये चीज तो हमने बहुत बार डिस्कस की है। अगर आपको नहीं आ रही है इट मीन्स यू आर नॉट रिवाइजिंग योर थिंग्स। घर पे आप रिवाइज नहीं कर रहे हो बिल्कुल भी, और आप मुझे लग रहा है कि मुझे भी नहीं सुन रहे हो क्लास में ध्यान से। प्लीज वी आर रिवाइजिंग दीज क्वेश्चन सो मेनी टाइम्स, और ये चैप्टर अभी आपका खत्म होने वाला है। सम एम एक्सटीरियर एंगल इज इक्वल टू सम ऑफ ऑपोजिट इंटीरियर एंगल्स ऑफ इंटीरियर अपोजिट एंगल्स, सम ऑफ इंटीरियर अपोजिट एंगल। अगर आपको ये सेंटेंस नहीं भी याद होता डजेंट मैटर, आपको ये पता होना चाहिए कि 110 इज इक्वल टू, 110 इज इक्वल टू 40 डिग्री प्लस एक्स डिग्री। कितनी तरीके हमने ऐसे वाले क्वेश्चन किए थे। बाहर वाला जो एंगल होता है अपने अपोजिट अपोजिट उसके लीनियर बिल्कुल, पेयर से भी हो जाएगा। लीनियर पेयर से तो हो जाएगा, लीनियर पेयर से ये एंगल तो पता चल जाएगा। दे आर आस्किंग यू मैम एक्स इक्वल्स टू 70 डिग्री
यस, फिर आपने एंगल सम लगाया उसमें, ठीक यस है। जब हमने ये क्वेश्चन किए थे, मैंने आपको बताया था कि किसी भी क्वेश्चन को करने के लिए ज्योमेट्री में स्पेशली बहुत सारे वेज होते हैं, ठीक है। आपका सोचने का तरीका ठीक होना चाहिए, कोई बच्चा किस तरीके से सोचेगा, कोई कैसे सोचेगा, लेकिन रीजन जो आप लगा रहे हो ना वो लॉजिक होना चाहिए कि हमने ये रीजन लगाया है। अब कई बच्चे इसको लीनियर पेयर से कर रहे हैं, इट इज फाइन, डू इट, ठीक है। एंड ये जो आपका एंगल दिख रहा है, यहां से भी आपके पास एक्स इज इक्वल टू 70 डिग्री आ रहा है, एक्सटीरियर एंगल इज इक्वल टू सम ऑफ इंटीरियर अपोजिट एंगल आ रहा है यहां से भी, वन यस पे। अदरवाइज उसने बोला कि 110 डिग्री प्लस एंगल वन, हम इसको एंगल वन लिख लेते हैं, सो दैट ये हमारा, इसको मैं एंगल वन लिख रही हूँ, अगर आपको इस वे से करना है, इज इक्वल टू 180 डिग्री लीनियर पेयर, तो यहां से एंगल वन आपके पास आ गया 70 डिग्री, तीनों का सम 40 डिग्री प्लस 70 डिग्री प्लस एक्स इज इक्वल टू 180 डिग्री, एंगल सम प्रॉपर्टी, यहां से दोबारा से आपके पास सॉल्व करके 70 डिग्री आएगा। एक क्वेश्चन को करने के बहुत सारे तरीके होते हैं, ओके। और मेरे को पता है कि जो आगे बच्चे आके बताते हैं माइक पे, कई बार आती हुई चीज भी भूल जाती है माइक के सामने खड़े होते, होता है ना ऐसा कई बार। तो आई होप एवरीबडी हैज अंडरस्टूड नाउ, इज इट क्लियर? रेज योर हैंड, यस रेज योर हैंड इफ यू हैव अंडरस्टूड। वेरी गुड, वेरी गुड। और दोनों वेज लिखो, दोनों वेज इसलिए लिखनी है, आपकी अपनी कॉपी है या अपनी अंडरस्टैंडिंग के लिए, जब आप रिवाइज करोगे आपको पता होना चाहिए कि क्वेश्चन को ऐसे भी सोच सकते हैं, ऐसे भी सोच सकते हैं, ठीक है। यहाँ पे लीनियर पेयर का और एंगल सम का बता रहे हो, वहां पे आप एक्सटीरियर एंगल की प्रॉपर्टी लगा रहे हो, सिंपल। तो दिस इज ट्रू, नाउ आई एग्री, क्योंकि काफी बच्चों ने ट्रू तो बता ही दिया था पहले से, लेकिन अभी जैसे मैंने दो बच्चों को बुलाया, देवर आते हैं, बट टू टेल मी कि कैसे आंसर आए, ठीक है बेटा। लिसन, अगर किसी ने ट्रू बोला है उनमें से, मैंने बोल दिया कि यस इट इज फाइन, करेक्ट है। अगर आपको नहीं समझ आया किसी बच्चे को, उठ के आओ आगे, आस्क मी द डाउट कि कैसे ट्रू आया, मेजोरिटी बच्चों ने बोल दिया कि ट्रू है, बट 10 चिल्ड्रन ऐसे हैं जिनको अभी तक समझ नहीं आया, तो कम फॉरवर्ड, खड़े होकर बीच में डाउट पूछो, ओके। रीजन इज ऑल्सो ट्रू, एक्सटीरियर एंगल ऑफ ए ट्राइंगल इज इक्वल टू सम ऑफ इंटीरियर अपोजिट एंगल, ये सेंटेंस अगर नहीं भी लर्न होता तो प्लीज इसकी प्रॉपर्टी याद रखो, डायग्राम में उसको विजुलाइज करो कि एक्सटीरियर एंगल के सामने वाले एंगल्स का सम, सामने वाले मतलब उसका एडजॉइनिंग वाला एंगल छोड़ के, बिल्कुल उसके साथ जो अटैच हुआ है उसको छोड़ के बाकी दो एंगल, स्टोरी फॉर्म में इसको लर्न करो, ठीक है, ओके। नेक्स्ट इज बेटा आपकी वन वर्ड आंसर्स हैं, इसकी ए ऑप्शन है, एवरीबडी हैज कम टू नो, फिफ्थ क्वेश्चन की ए ऑप्शन है, दोनों ट्रू थे हमारे, बोथ आर रिलेटेड आल्सो, ओके। कम नेक्स्ट, इट इज वन वर्ड आंसर, ठीक है, सोच के बताना है सबने। इसमें ये जो वन वर्ड आंसर है इसमें आपकी नॉलेज अप्लाई होगी, और बैठे बैठे आपने आंसर नहीं बोलना, आई विल कॉल द चिल्ड्रन ताकि मेरे को पता चले किस किस को समझ आ गया ये चैप्टर। वन वर्ड आंसर, वन वर्ड आंसर मीन्स कि आपकी कैलकुलेशन नहीं है, जस्ट आप वो बता रहे हो, उसमें अपनी नॉलेज अप्लाई कर रहे हो। 11th क्वेश्चन, इज इट पॉसिबल टू हैव अ राइट एंगल इक्विलेटरल ट्राइंगल, जस्ट थिंक इट, बोलना अभी किसी ने नहीं, सोचो इसके बारे में फॉर अ सेकेंड, इज इट पॉसिबल टू हैव अ राइट एंगल इक्विलेटर ट्राइंगल, आई विल कॉल द चिल्ड्रन, कबीर 7th A, कबीर इज देयर, ओके मैम आज यस अच्छा अच्छा वेरी गुड, इसमें कोई ट्रू फॉल्स नहीं है, बस आपने ये बताना है कि अगर
नो है तो क्यों, यस है तो क्यों, राइट, विद रीजन। हाँ जी बेटे, क्या ये पॉसिबल है कि राइट एंगल ट्राइंगल इक्विलेटर भी हो जाए? नो कबीर विल यू बी टेलिंग मी? no. हाँ ओके, आंसर इज नो। व्हाई? रीजन क्या है इसका? नो इज परफेक्टली ऑल राइट, यस कि नहीं हो सकता, क्यों? क्या सोच के नहीं बोला आपने? इट मीन्स कि आपने अभी सोचा नहीं अच्छे से। प्लीज सिट डाउन, गो एंड लिसन टू इट केयरफुली। नमन 7G, नो इज ऑल ऑल राइट, टेल मी द रीजन। चांसेस करो, जो बच्चे अभी जाके बैठे हैं, अभी जाके बातें नहीं करनी। लिसन टू इट केयरफुली। व्हाई? हाँ जी बेटे, माइक को पास रखो, मेरे को मत देखो, कोई बात नहीं, इट्स ओके, अपना माउथ उधर रखो माइक के ऊपर। यस बोलो। पॉसिबल नहीं है, देखो आपके पास इक्विलेटरल ट्रायंगल होता है ये वाला, जिसमें सारी साइड्स इक्वल होती हैं, और राइट का ट्रायंगल होता है ये वाला, जिसमें एक एंगल जो होता है 90 डिग्री होता है, ये तो आपको श्योर पता ही है। वो पूछ रहे हैं कि इज इट पॉसिबल टू हैव अ राइट एंगल ट्रायंगल इक्विलेटर हो? क्या हो सकता है कि ये राइट एंगल ट्रायंगल इक्विलेटर भी बन जाए? हो सकता है ये? हाथ खड़े करो, यस बोल रही हो आप? रेज योर हैंड। नो, यू सेड नो, ओके इट्स ओके, आपका माइक नहीं काम कर रहा, बैठो। सी सेक्शन, सी सेक्शन, जस्ट मी। जी सेक्शन, आपका माइक काम नहीं करता, इसको ना एक बार चेक करवा लेना, येस्टरडे ऑल्सो इट वॉज नॉट वर्किंग। क्या जस्ट मी से आर यू टेलिंग मी बेटा? ओके ओके, बैठो, कोई बात नहीं, सिट डाउन। सी सेक्शन से कौन आ रहा है बताने के लिए? नो, बी सेक्शन। या आई कैन सी वन हैंड इन बी सेक्शन, प्लीज आ जाओ बेटे, आ जाओ, वेरी गुड, दैट गर्ल इज रेजिंग हर हैंड, लिसन टू हर वेरी केयरफुली। नो बिकॉज एंड अ ट्राइंगल कैन नॉट हैव एंगल मोर देन 1 ऑफ 90 डिग्री। यस, इक्विलेटर ट्रायंगल में हर एक एंगल 60 डिग्री होता है, ये तो सबको पता है, आपने ही मेरे को बताया था जब हमने चैप्टर स्टार्ट किया था। यू ओनली टोल्ड मी कि इक्विलेटर ट्रायंगल में सारी साइड्स इक्वल होती हैं, सारे एंगल इक्वल होते हैं, और वो क्या होते हैं, 60 डिग्री होते हैं। कोई भी एंगल 60 से अलग नहीं हो सकता, ऐसा नहीं हो सकता कि इक्विलेटर ट्रायंगल बनाया और अभी उसमें क्या बन गया, आपका 70 डिग्री बन गया, कोई 40 डिग्री बन गया, नेवर। 60 डिग्री इज फिक्स, हमेशा वही रहेगा। और 90, यहाँ पे जो राइट एंगल होता है उसमें 90 डिग्री फिक्स है, यहाँ पे ये फिक्स है, वहां पे वो फिक्स है, ठीक है? तो ये तो इक्वलेटर नहीं बन सकता ना। और सेकेंडली एक और इसका पॉइंट है, आपको पता है कि 90 डिग्री के सामने वाला आपका एक जो राइट एंगल ट्रायंगल होता है बेटा, 90 डिग्री के सामने वाली जो साइड होती है वो सबसे लंबी साइड होती है, लॉन्गेस्ट साइड होती है, ये लॉन्गेस्ट साइड, याद रखना इसको, अगर आपने अभी तक नहीं यूज किया तो। सबसे लंबी साइड होती है, सबसे लंबी का मतलब कि वो किसी से मैच ही नहीं करेगी, मैच नहीं करेगी तो वो इक्विलेटर भी नहीं हो सकता, ठीक है? आपके पास रीजन होने चाहिए बताने के लिए व्हाई। अभी तो नो याद कर लिया कि यस नो है इसका आंसर, एग्जाम में यस लिख दिया और फिर गलत हो जाएगा, बिकॉज आप उसको अंडरस्टैंड नहीं कर रहे हो, नो और यस को लर्न कर रहे हो। सेकंड क्वेश्चन, 12th क्वेश्चन सॉरी, विच टाइप ऑफ ट्राइंगल हैज एन ऑल्टीट्यूड आउटसाइड इटसेल्फ? नाउ 7D,
Which type of triangle has an altitude outside itself? लाउडी बोलो थोड़ा सा बेटा। अब ट्रायंगल ऑब्ट्यूज एंगल ट्रायंगल, हमने डायग्राम बनाया भी था, आई टोल्ड यू ऑब्ट्यूज एंगल ट्रायंगल ऐसा ट्रायंगल होता है कि जिसमें, वेरी गुड बेटा सिट डाउन, ऑल्टीट्यूड बाहर फॉल करता है, यहाँ पे होता है उसका ऑल्टीट्यूड और ये साइड जो है वो एक्सटेंड हो जाती है। ऑलवेज ऑब्ट्यूज एंगल ट्रायंगल में उसका हमारा जो है मोस्टली ऑल्टीट्यूड बाहर फॉल करता है। तो इसका आंसर हो जाएगा, वन वर्ड में इसका आंसर हो जाएगा, एन ऑब्ट्यूज एंगल, ऑब्ट्यूज एंगल, एंगल ट्राइंगल, ठीक है। स्मार्टली इसको लिखना भी सीखो कि हमने आंसर को कैसे रिप्रेजेंट करना है। राइट एंगल्ड ट्राइंगल, ऑब्ट्यूज एंगल्ड ट्राइंगल, ठीक है बेटा, ये सबको पता था। 13th क्वेश्चन, व्हाट कैन बी सेड अबाउट ऑल्टीट्यूड्स एंड मीडियंस ऑफ एन इक्विलेटर ट्राइंगल। की पॉइंट्स देख लो अपने, ऐसे याद नहीं आएगा, की पॉइंट देख लो, खोलो कॉपी, पढ़ो उनको। व्हाट वी रोट अबाउट ऑल्टीट्यूड एंड मीडियंस जब हमने स्टार्ट किया था चैप्टर, मैम दे आर इक्वल। अभी कईयों की कॉपी खुल रही है बेटा, वेट करो, देखने दो सबको। आपने इतनी मेहनत से पॉइंट्स लिखे हैं, उनको रीड तो करो। मीडियम्स एंड ऑल्टीट्यूड आर इक्वल। दे आर इक्वल और सेम, जो ऑल्टीट्यूड होगा वही मीडियन होगा, अगर हमने मीडियन ड्रॉ किया तो हम कहेंगे वो ऑल्टीट्यूड भी है, ठीक है। तो ये इक्विलेटर की हमारी यहाँ पॉइंट था, ये आपको अभी याद भी हो गया होगा। तो वन वर्ड में आप आंसर क्या बोलोगे, दे आर इक्वल या फिर दे आर सेम, कुछ भी लिख लो, उनका मीनिंग ठीक होना चाहिए। ऑल्टीट्यूड एंड मीडियन आर सेम। फोर्थ क्वेश्चन, सॉरी नेक्स्ट वन, 14, इफ वन एंगल ऑफ अ ट्राइंगल इज इक्वल टू सम ऑफ अदर टू एंगल्स, देन व्हाट इज द मेजर ऑफ दैट एंगल। पढ़ो इसको, खुद ही पढ़ो मॉड्यूल पे, ठीक है, डोंट वेट फॉर माय आंसर, ध्यान से पहले समझ लो। ई सेक्शन से हाथ खड़ा हो रहा है, यस, वेट वेट वेट, आई विल कॉल यू, सबको पढ़ने दो 1 मिनट, वेट, लेट मी राइट डाउन द समरी हियर। वन एंगल ऑफ अ ट्राइंगल इज इक्वल टू सम ऑफ अदर टू, मान लो हमने एक ट्राइंगल बनाया, क्योंकि अभी छोटा सा क्वेश्चन है, हमने अपनी विजुअलाइजेशन करनी है, रफ वर्क करना है हमने, ठीक है, अपनी अंडरस्टैंडिंग के लिए, हमारा कोई सॉल्यूशन नहीं देखने वाला यहाँ पे, हम अपनी अंडरस्टैंडिंग के लिए सॉल्व कर रहे हैं इसको सॉल्व। दे आर सेइंग कि वन एंगल, एंगल ए इज इक्वल टू एंगल बी प्लस एंगल सी, दे आर आस्किंग, एंड नाउ दे आर सेइंग व्हाट इज द मेजर ऑफ दैट एंगल। दैट एंगल कौन पूछ रहे हैं, दैट एंगल कौन सा, इसकी बात हो रही है कि व्हाट इज एंगल ए। अगर एंगल ए बी प्लस सी के इक्वल है तो एंगल ए किसके इक्वल होगा, दे आर आस्किंग। ई सेक्शन से द गर्ल इज रेजिंग अ हैंड, यस बता दो। 90 मैम 90 डिग्री, मैम डिग्री, 90 डिग्री। एक्सप्लेन मी ऑल्सो, आपका माइक बहुत अच्छा काम कर रहा है, यस यस, एक्सप्लेन मी हाउ, कैसे निकाला आपने। मैम एंगल ए एंगल बी और सी के सम के इक्वल यस आगे, मैम। फिर ट्रायंगल के तीनों एंगल्स 180 डिग्री बनाते हैं। यस वेरी गुड, ध्यान से सुनो सारे, शी इज टेलिंग इन डिटेल, यस बेटा आगे बोलो। अगर एंगल ए को माइनस करेंगे 180 डिग्री से तो बी और सी के इक्वल आ जाएगा। अगर हम इसको इधर ले गए मैम इट विल बी इक्वल टू बी एंड सी। इट विल बी इक्वल टू बी एंड सी, क्योंकि आपको पता है कि 180 डिग्री माइनस ए की जगह हम यहाँ पे लिख सकते हैं बी प्लस सी, ठीक है, तो ये हमारे पास बी प्लस सी आ जाएगा और उससे हमारे पास एंगल ए जो है वो 90 डिग्री आ जाएगा, ठीक है, दिस इज परफेक्टली ऑल राइट।
यू कैन से दिस इज राइट एंगल, द मेजर ऑफ दैट एंगल इज 90 डिग्री. नेक्स्ट क्वेश्चन इज व्हाट इज द नेम ऑफ द ट्राइंगल इन विच टू ऑल्टीट्यूड्स आर टू ऑफ इट्स साइड्स. क्वेश्चन नंबर 15, व्हाट इज द नेम ऑफ द ट्राइंगल, लेट मी कॉल द चिल्ड्रन. अरुणदीप, डी सेक्शन, व्हाट इज द नेम ऑफ द ट्राइंगल इन विच टू ऑल्टीट्यूड्स आर टू ऑफ इट्स साइड्स. साइड खुद ही ऑल्टीट्यूड होती है, ऐसा कौन सा ट्राइंगल होता है? राइट एंगल ट्राइंगल, राइट एंगल ट्राइंगल ऐसा ट्राइंगल है, यस वेरी गुड, जिसमें हमारे पास ये भी ऑल्टीट्यूड है, वेरी गुड, सिट डाउन बेटा, ऑल्टीट्यूड है और ये भी ऑल्टीट्यूड है और दोनों ही उसकी साइड्स हैं. डायग्राम की फॉर्म में अपनी अंडरस्टैंडिंग आपको होनी चाहिए. एक राइट एंगल ट्राइंगल है, उसके अंदर ये भी ऑल्टीट्यूड है, वो भी ऑल्टीट्यूड है, तो इसका आंसर होगा राइट एंगल ट्राइंगल. राइट एंगल ट्राइंगल शॉर्ट फॉर्म में हमने इसको लिखा है, ठीक है, आप भी अपनी अंडरस्टैंडिंग के लिए इसको लिखो. इसमें दो ऑल्टीट्यूड्स होते हैं और दोनों ही इसकी साइड्स होती है, ठीक है. ओके, केस स्टडी क्वेश्चन. डायग्राम ड्रॉ करो बेटा, डायग्राम थोड़ा सा डिफिकल्ट है, थोड़ा सा आपको वो अनटाइडी लग रहा होगा. इसको अपनी नोटबुक में अच्छे से ड्रॉ करो, 3 लाइंस लेके 3 और 4 लाइंस में बड़ा फिगर ड्रॉ करो. क्वेश्चन बहुत इजी है, बट फिगर थोड़ी सी आपको नाइसली ड्रॉ करनी है ताकि मॉड्यूल में हमें बार बार देखना ना पड़े. केस स्टडी, आई एम ऑल्सो ड्रॉइंग फिगर ओवर हियर, यू ऑल्सो ड्रॉ, थोड़ी सी बड़ी फिगर ड्रॉ करनी है. सबसे पहले आपके पास एक राइट एंगल ट्राइंगल है, समझ लो पहले फिगर को ना कि क्या क्या हमने ड्रॉ करना है. राइट एंगल ट्राइंगल के अंदर लाइन ड्रॉ की हुई है सेंटर में, जैसे एक ट्राइंगल डेवलप हो रहा है, तो हमने इसमें लिख लिया ए बी. अपनी मॉड्यूल से देख के लिखना है इसको, ठीक है, कुछ नहीं समझ आएगा देन यू कैन सी हियर. ई एफ, दिस इज जी, दिस इज सी, कट पॉइंट है ए और एफ के बीच में, एक सी पॉइंट है. यहाँ पे एक एंगल दिया हुआ है 92 डिग्री. अब वो देखने में तो 92 नहीं लग रहा, बट आपको 92 लिखना है क्योंकि वो गिवन है, ठीक है, हम कोई उसे प्रोटेक्टर से तो ड्रॉ नहीं कर रहे, बट गिवन है तो वी हैव टू राइट, यूज भी करना पड़ेगा इसको, ठीक है. वी हैव टू फाइंड, यहाँ पे लिखा है आपका एक्स, इधर आपका वाई है और सेंटर में आपका बना हुआ है जेड एंगल. नाइसली बड़ा फिगर ड्रॉ करो, लेबलिंग ठीक करो. ई एफ ए इज राइट एंगल ट्राइंगल, ठीक है. ई एफ ए बड़ा वाला जो ट्राइंगल है आपको है वो राइट एंगल ट्राइंगल है, तो ई एफ ए इज इक्वल टू 90 डिग्री होगा. आपको पता चल जाता है कि आपका जो फिगर के अकॉर्डिंगली कहाँ पे 90 होना चाहिए, यू कॉट टू नो द पोजिशन ना. ऐसा तो नहीं कि कई बच्चे ई पे लिख दे कि ई पे 90 डिग्री एंगल बन रहा है, या फिर कोई ए पे लिख दे. यू शुड नो 90 डिग्री एंगल कहाँ पे बनता है, जहां पे ऑल्टीट्यूड्स होते हैं, ठीक है. तो हमारा इसका नाम हमने लिखा है ई एफ ए. अगर बाय चांस किसी बच्चे ने इसको एफ ए ई लिख दिया तो वो बिल्कुल गलत हो जाएगा, प्लीज रिमेम्बर, सोच के लिखना पड़ेगा आपको इसका नाम. ई एफ ए इज इक्वल टू 90 डिग्री एंड एफ जी बी इज एन इक्विलेटरल ट्राइंगल. एफ जी बी
ट्रायंगल की बात हो रही है, एफ जी बी इज एन इक्विलेटर, सारे एंगल उसके इक्वल हैं। ये नाम जो इक्विलेटर लिखा होता है, आपको इसके बारे में बहुत कुछ पता है। आपको पता है कि इसके क्वेश्चन में हम कैसे इक्विलेटर ट्रायंगल को यूज करेंगे, उसकी साइड्स इक्वल हैं, उसके एंगल्स इक्वल हैं, और हर एक एंगल 60 डिग्री है, वो आपको पता है इसके बारे में। ठीक है, नाउ फर्स्ट क्वेश्चन है, ये दो इंफॉर्मेशन हमें दी हुई है फिगर के अकॉर्डिंगली, ये गिवन है, इनको हम यूज करेंगे, राइट। फर्स्ट क्वेश्चन इज व्हाट इज मेजर ऑफ एंगल एक्स, एक्स एक्स की वैल्यू आपने निकालनी है। यस, थिंक इट, थोड़ा सा सोचो, ये नया क्वेश्चन है, एग्जाम में भी ऐसा नया क्वेश्चन आ सकता है ना, तो उसको कैसे सोचोगे आप? आपने सारे क्वेश्चन कर लिए, अभी आपको थोड़ी सी व्हाट एवर यू हैव रेड अपनी नॉलेज अप्लाई करनी है। सी आपको फाइंड आउट करना है एक्स, एक्स निकालने के लिए एक्स वाले ट्राइंगल को देखो, ध्यान से इस ट्राइंगल को देखो, क्योंकि एक्स तो इसी ट्राइंगल में है ना। इसको हम ध्यान से देखते हैं कि हमें क्या क्या पता है इसके बारे में। जो गिवन चीजें हैं उनको यूज करो। एक्सक्यूज मी मैम, मैम जो हमने एंगल ई एफ ए लिखा है मैम, हम उसको एंगल ए एफ ई भी लिख सकते हैं? यस, लिख, एफ शुड बी इन द सेंटर, ओके मैम। ए एफ ई भी कर सकते हो, नो प्रॉब्लम। एफ का ध्यान देना कि वो हमेशा सेंटर में रहना चाहिए, जहां पे हमारा 90 डिग्री एंगल बनता है। टेक केयर, ठीक है बेटा, चलो इन चीजों को यूज करो जो गिवन है। एक्स की वैल्यू निकालनी है, सबसे पहले फर्स्ट क्वेश्चन में आपने एक्स की वैल्यू निकालनी है। एक्स निकालने के लिए वो ही ट्राइंगल देखो जिसमें एक्स लिखा हुआ है, ध्यान से देखो। आई विल कॉल द चिल्ड्रन, कौन सा ऐसा ट्राइंगल है जिसमें एक्स दिख रहा है आपको? एकलव्य, सेवंथ एफ सेक्शन, यस आ गया बेटा, टेल मी द नेम ऑफ ट्राइंगल, आंसर तो चलो बाद में आ जाएगा, टेल मी नेम ऑफ ट्राइंगल जिसमें आपको एक्स दिख रहा है। मैं एफ जी सी, वेरी गुड, इन ट्राइंगल एफ जी सी, किसी को सुन तो नहीं रहे ना, अप्लाई योर ओन माइंड। ओके ओके, इसमें आपको क्या दिख रहा है, आगे बोलो। यस, व्हाई डिड यू चूज दिस ट्राइंगल, अभी क्या करना है इसके अंदर हमने? यस, वेरी गुड, जो चीजें हमें गिवन है उनको यूज करो। ओके, सिट डाउन, गो एंड सिट। ट्राइंगल आपने ठीक चूज कर लिया, समबडी टोल्ड यू? ओके, अगर आपने खुद सोचा है तो इसको ध्यान से देखो आगे, ठीक है। फर्स्ट स्टेप आपका बिल्कुल ठीक है। अब आपको पता है इसमें कि एंगल जी इज इक्वल टू 60 डिग्री है, क्यों है, इक्विलेटर ट्राइंगल है, इक्विलेटर ट्राइंगल है। कौन सा इक्विलेटर ट्राइंगल है, क्या नाम है उसका? बी जी एफ और एफ जी बी, कुछ भी लिख लो इसको। एफ जी बी में जो बड़ा वाला हमारा ट्राइंगल था, जो मैं बाहर ड्रॉ कर रही हूँ, यू कैन सी हियर, ये जो मैं बाहर ड्रॉ कर रही हूँ, आपको दिख रहा है कि जी एंगल जो है वो 60 है, ये इक्विलेटर हमें दिया हुआ था, ये 60 डिग्री। बड़े वाले ट्रायंगल में 60 डिग्री है, तो ऑफ कोर्स छोटे वाले में भी होगा, जी ने तो 60 रहना है, ठीक है। मैक्स अब इक्वल्स टू 28 डिग्री। यस, एक्स इज इक्वल टू 28, बिल्कुल ठीक है। एक्स प्लस 60 प्लस 92 इज इक्वल टू 180 डिग्री, जो हमने ट्रायंगल चूज किया वहां से आपके पास आ रहा है एक्स इज इक्वल टू 28 डिग्री। जिन्होंने कैलकुलेशन अभी नहीं किया, दे कैन लीव टू लाइंस,
यू कैन कंप्लीट कैलकुलेशन एट होम. सिर्फ प्लस माइनस करना है और वैल्यू निकालनी है उसकी. बी ऑप्शन आ रही है, एक्स इज इक्वल टू 28. सेकेंड क्वेश्चन, व्हाट द मेजर ऑफ एंगल जेड? अच्छा जेड, ध्यान से देखो. मानवी वर्मा 7G. 7G आपका माइक का प्रॉब्लम है ना? एक बार ट्राई करो, इफ इट वर्क. 32 डिग्री वेट सबको करने दो बेटा. एक बार यूज करो बेटा माइक, बोल के देखो जरा, इज इट वर्किंग? अच्छा इट्स ओके, इसको ठीक करवाना बेटा, कल भी नहीं आवाज आ रही थी आपकी. ध्रुव 7 थी. जेड एंगल, बेटा कैसे निकालोगे? थोड़ा लाउडली बोलो. यू नो हाउ टू डू? नो नो, सोचा नहीं अभी आपने इसके बारे में, है ना? सिट एंड थिंक इट. जागवीर 7D. जगवीर, सॉरी, जल्दी जल्दी से आओ. यस व्हाट इज दैट बेटा? हाउ विल यू फाइंड दैट? 42 डिग्री 42 डिग्री कैसे निकाला? मेरे को मेथड बताओ. हाँ जी हाँ जी बताओ. मैं एफ बाइसेक्ट कर रही है? नो, सी आपको क्वेश्चन में नहीं दिया हुआ कुछ भी बाइसेक्ट के बारे में. आई टोल्ड यू, अपने आप अपने लगाना नहीं है कुछ भी. अगर बाइसेक्टर नहीं दिया हो तो आप खुद नहीं लिखोगे कि वो बाइसेक्टर है. बैठ के सोचो, सीधा. ये जो आपके पास ये जो ट्राइंगल है जेड, जिसमें एंगल आ रहा है आपका एक्स, आपको पता चल चुका है जेड और एक्स किसके इक्वल होगा. व्हाट इज जेड प्लस एक्स? 60 डिग्री. सबको पता है, काफी बच्चों को पता चल चुका है जो ध्यान से कर रहे हैं. दे नो इट, क्योंकि ये इक्विलेटरल ट्रायंगल था आपके पास. जेड प्लस एक्स इज इक्वल टू 60 डिग्री. तो वहां से आपके पास जेड आ जाएगा 32 डिग्री. -28 फ्रॉम 60 यस, एक्स इज गिवन टू यू, उसको यूज करो. केस स्टडी में बेटा क्वेश्चन ही ऐसे बने होते हैं. सेकंड क्वेश्चन कर रहे हो तो फर्स्ट वाले को यूज कर लो. थर्ड क्वेश्चन कर रही हो तो फर्स्ट और सेकंड दोनों को यूज करो. कॉम्प्रिहेंशन टाइप ये पूरा का पूरा क्वेश्चन लिंक्ड है. ओके, 32 32 डिग्री. यस, थर्ड क्वेश्चन, व्हाट इज वाई माइनस टू एक्स? वेरी वेरी सिंपल, वाई माइनस टू एक्स. वाई माइनस टू एक्स के लिए मैंने आपको वाई निकालना पड़ेगा. टू. यस, वाई इज टू. नेक्स्ट क्वेश्चन इज, व्हाट इज मेजर ऑफ एंगल एफ बी जी? एफ बी जी 60 डिग्री 60. यस, बार बार वो सेम ही ट्राइंगल के बारे में पूछे जा रहे हैं और आपको तो बहुत अच्छे से पता है क्योंकि वो इक्विलेटरल ट्राइंगल है, तो उसका 60 से ज्यादा और कम हो ही नहीं सकता, फिक्स रहेगा 60 डिग्री. ठीक है,
अभी शाउट नहीं करना नेक्स्ट वाले क्वेश्चन में, ओके? लास्ट क्वेश्चन है, आई विल बी आस्किंग यू, इफ ट्राइंगल ई एफ ए इज आइसोसेलेस राइट एंगल ट्राइंगल देन एंगल एफ ई ए, अच्छा लेट एवरीबडी डू, लेट एवरीबडी डू। थोड़ा सा सोचने वाला क्वेश्चन है ये, पेन चलाओ। ए इज इक्वल टू, आपको ई दिया हुआ है बेटा, एंगल ए इज इक्वल टू ई, क्योंकि वो आपके पास राइट एंगल ट्राइंगल था, ठीक है, और साथ में आइसोसेलेस भी बताया हुआ है, तो आइसोसेलेस में आमने सामने वाली साइड्स इक्वल होती है। 45 डिग्री। बिल्कुल ठीक है आपका। मैं थोड़े से स्टेप्स यहाँ पे लिख रही हूँ, जिन बच्चों को नहीं समझ आया, देखे नोट इट डाउन। फिफ्थ क्वेश्चन में आपको पता है ये ई एफ ए जो आइसोसेलेस राइट एंगल ट्राइंगल है, तो एंगल ए इज इक्वल टू एंगल एफ होगा, सॉरी ए इज इक्वल टू ई होगा। आइसोसेलेस ट्राइंगल में आमने सामने वाले एंगल इक्वल होते हैं, राइट? और एफ एंगल आपको ऑलरेडी 90 दिया हुआ है, क्योंकि वो राइट एंगल आइसोसेलेस ट्राइंगल है, एक एंगल तो पक्का 90 होना ही होना है, नो डाउट, ठीक है। और ये दोनों इक्वल भी हैं, ये दोनों इक्वल है, इसका मतलब कि एंगल ए प्लस एंगल ए प्लस 90 डिग्री इज इक्वल टू 180 डिग्री। ए प्लस ए मैंने क्यों लिखा, क्योंकि मैंने ई के बदले में भी ए को लिख लिया, बोथ आर इक्वल, तो एंगल ए आपके पास आ जाएगा 45 डिग्री। तो जो उन्होंने पूछा था हमारे से एफ ई ए, एंगल एफ ई ए इज इक्वल टू 45 डिग्री। आप ए निकालो या ई निकालो, एक ही बात है, बिकॉज बोथ आर इक्वल, अब वो आपको पता ही है। एनी डाउट इन दिस फिफ्थ क्वेश्चन, किसी को कुछ पूछना है इस चैप्टर में? बहुत ज्यादा आपको प्रैक्टिस चाहिए बेटा, एवरी डे यू हैव टू डू टू क्वेश्चन ऑफ दिस चैप्टर, ठीक है। आपके इसके बाद जो आपकी नेक्स्ट प्रॉपर्टी है पाइथागोरस थ्योरम की, वो बहुत बहुत इजी है, बहुत इजी है। टिल नाउ यू हैव टू अंडरस्टैंड द थिंग्स केयरफुली, कि एक्सटीरियर एंगल है, कभी इक्विलेटर ट्राइंगल है, कभी आइसोसेलेस ट्राइंगल है, इनकी प्रॉपर्टीज आपको पता होनी चाहिए, कि ऐसे होता है, उसमें ये यूज करते हैं, उसमें ये यूज करते हैं, ठीक है। एग्जाम में मान लो आपका कभी क्वेश्चन रॉन्ग हो गया, आपने को जो एंगल पूछा गया था आपने गलत निकाल दिया, बट अगर आपने ये प्रॉपर्टीज ठीक लिखी है बीच में, कि हाँ इक्विलेटर ट्रायंगल में एंगल्स इक्वल होते हैं, आइसोसेलेस में टू साइड्स इक्वल है, तो आपको हाफ मार्क्स मिल जाते हैं उसके। यहाँ पे मिस्टेक लास्ट में आके आपने माय टाइम इज ओवर। यस आई नो बच्चा, ओके प्लीज रिवाइज दिस क्वेश्चंस, टुमारो विल बी स्टार्टिंग मॉड्यूल टू, ओके। आई कैन आस्क क्वेश्चन फ्रॉम मॉड्यूल वन ऑल्सो, प्लीज रिवाइज एवरीबडी। करना